आज हम रिव्यू करने वाले हैं द नया मूवी जो आया है सर्कस ऑफ रणवीर सिंह। तो बोलिए आपको कैसा लगा ट्रेलर? ये रोहित शेट्टी का नया मूवी या मैं तो आज ही देखा ट्रेलर या लेट हो गया चार दिन से या बट रणवीर सिंह का जो एनर्जी है इस मूवी में पहले बात जो लग रहा है ना ये गोलमाल का एक सीक्वल है या उससे प्रीक्वल है कुछ भी हो सकता है। मतलब जो एक वो सीन दिखाया ना लास्ट में हाँ जो पांच अनाथ बच्चे खड़े हैं वो अनाथ आश्रम के सामने तो उससे लग रहा है कि वो जो पांच थे गोलमाल वाले उसमें से कुछ एक है लिंक है कुछ तो नहीं तो वो सीन क्यों दिखा वो बाहुबली जैसा होता है ना बाहुबली द बिगनिंग बाहुबली द कंक्लूजन ऐसा टाइप का कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग बट उसमें जो रणवीर सिंह का जो एनर्जी है ना जो वाइब है ना वो इतनी इलेक्ट्रिफाइंग है ना मैं तो सिर्फ रणवीर सिंह के लिए ही मूवी थिएटर जाने वाली हूँ। तो बॉलीवुड वालों को आजकल नया कुछ चढ़ा है सब रणवीर वालों को एक एक सुपर पावर दे दो दूसरा रणवीर का दिया मुझे आग से जैसे रणवीर कपूर को आग से कुछ नहीं होता है सुपर पावर रणवीर सिंह को ऐसे दे दिया उसको इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं होता है। ओके बट ओवरऑल रोहित शेट्टी का मूवी है तो वी कैन लाइक गारंटी तो थोड़ा दे सकते हैं कि पैसा वसूल ही होगा क्योंकि आज तक उसकी फ्रेंचाइज में जितने भी मूवीज आए हैं लाइक गोलमाल सीरीज आया है उसके पुराने भी ऑल द बेस्ट हैं सिंघम जो भी है वो तो मतलब मजा आता है ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे मतलब धमाल तो करते ही रहते हैं उस मूवीज में। पहला सीन आता है उसमें पूरा ऐसा इलेक्ट्रिक वायर फेंकेगा चार्ज करता है उधर से चार्ज लेता है जनरेट करता है ऐसा लोगों को लेके आया ना घर में बिजली चला जाए तो लाइट चला देंगे। ओह वाओ तो मुझे तो मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी फेवरेट कैरेक्टर जो है उसमें जॉनी लीवर जी आई लव हिम यार। दूसरे वाले नोंडू जो गोलमाल में थे कुछ तो मिश्रा है बट मिश्रा जी वी जस्ट लव यू और वो जॉनी लीवर का तो डायलॉग होता है उसका डायलॉग होता है हाँ आपके पापा कुछ अजीबो गरीब नहीं लग रहे मैं अजीबो अमीर हूँ तड़का लगाने के लिए दीपिका मैडम का भी थोड़ा एक सीन है आई मीन एक गाना साना कुछ होगा वो इलेक्ट्रिक वाला कुछ गाना है वो भी हाँ हाँ इलेक्ट्रिक वाला मुझे क्या लग रहा है दो दो हीरोइन है ना डबल रोल टाइप का है एक पास्ट का हीरोइन है एक प्रेजेंट का हीरोइन है हो सकता है वी डोंट नो जो भी है कॉमेडी तो फुल धमाल का होगा हंस के तो पेट दर्द होने वाला है मैं तो बहुत सारा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मूवी थिएटर जाने वाली हूँ ये मूवी को देखने के लिए लाइक रियली इतने दिनों के बाद मुझे इतने दिनों के बाद मुझे एक मतलब एक सब किक सा लग रहा है कि यस अब तो मतलब मजा ही आएगा मूवी थिएटर में आई मीन कोई रिव्यू आने से पहले ही लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मजा तो आएगा आएगा ये मूवी देख के। तो कब लेके जाने जा रहे हो हमें मूवी रिलीज होने के बाद? दैट्स अ गुड पॉइंट बट ट्राई करो कि मतलब वो फर्स्ट पहले ले आओ आपके लिए पायरेटेड वाले कुछ हमको बस मूवी थिएटर में देखना है क्योंकि हमको जो थिएटर में देखने का वो जो बिग स्क्रीन का जो मजा है ना वो मतलब बिग स्क्रीन नहीं आता है। और मुझे तो एक्चुअली फिल्म का लुक पसंद है आई मीन जो हमारी हीरोइन लोग पूजा है जो जैकलिन जिस तरह से ड्रेसअप और गेटअप हुई है मैं भी थोड़ा उस वैसे ही थोड़ा मेरा लुक है आज का थोड़ा सा रेट्रो वाला मैंने कोशिश किया है कुछ करने के लिए। आई एम लविंग माय लुक ओके जो भी बोलो थैंक यू ओके। तो या ये भी कमेंट करके बता दो कि मेरा लुक आपको कैसा लगा और अच्छा हाँ हमने तो मूवी का ट्रेलर का रिव्यू तो दे दिया आपको और मूवी आने के बाद इसका मूवी देख के फुल रिव्यू देने वाले हैं सो तब तक देखिए क्या होता है तब तक यस तो ठीक है चलो बाय गुड नाइट।